डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एमएस एक्सेल 2016 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग यानी कि आप अपनी वर्कशीट के अंदर अपने टेक्स्ट को रेडी करने के लिए कोई भी ऑप्शंस यूज करते हैं, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपके फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। बट हमें यहाँ फॉर्मेटिंग यूज तो करनी है, लेकिन कंडीशन लगाकर यूज करनी है। दैट्स कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हमने काफी सारे फॉर्मेट्स ले लिए हैं जिनके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट लिया है नंबर फॉर्मेट, जिसके लिए आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और होम टैब के अंदर ही आपको ऑप्शंस मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन के अंदर आपको पहला ऑप्शंस दिखाई देता है हाईलाइट सेल्स, यानी कि हमें इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर से कुछ सेल्स को हाईलाइट करना है। बट किन सेल्स को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या फिर इक्वल। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर से हमने उन सेल्स को हाईलाइट करना है जो सेल्स ग्रेटर देन है 150। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर से 150 से अबव जो भी सेल्स हैं वो सभी आपकी हाईलाइट हो गई हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए काफी यूजफुल है जब आपके पास एक लार्ज डाटा होता है। लार्ज डाटा के अंदर से ग्रेटर देन, लेस देन वैल्यूज को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ से कंडीशन चेंज कर सकते हैं। हमें उन सेल्स को हाईलाइट करना है जो कि अबोव है 170। तो टोटल 3 वैल्यूज हैं जो कि 170 से अबोव है, 173, 171 एंड 174। हालांकि जो आपकी वैल्यूज हैं वो रेंडमली हैं, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी वैल्यूज को हाईलाइट करके दिखा देता है। इसके बाद आप चाहें तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइट रेड फिल कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने फॉर्मेट को कस्टम भी कर सकते हैं। तो हमें क्लिक करना है कस्टम फॉर्मेट पर, जिसके अंदर से आप नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं या फिल कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं फॉन्ट स्टाइल बोल्ड एंड फॉन्ट का कलर हम रेड कर देते हैं। इसके बाद बॉर्डर हमें यूज नहीं करना है, बट हम फिल कर देते हैं इसे येलो कलर के साथ। ओके करेंगे हम। अब देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मेट आपने वहां से सेलेक्ट किया है उसी फॉर्मेट के अंदर आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर से कंडीशनल सेल्स फॉर्मेट हो गई हैं। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस कंडीशन को ओके कर देते हैं, यानी कि अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद इस कंप्लीट एरिया के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया था, जिसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, अगर आप वहां 170 से अबव कोई वैल्यू टाइप कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेल आपकी हाईलाइट हो जाती है। मान लीजिए कि हमने 147 जो कि फर्स्ट सेल है उसके अंदर हमने 177 टाइप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपकी सेल जो है वो हाईलाइट हो गई है, क्योंकि आपने इस एरिया के अंदर कंडीशन अप्लाई की हुई है ग्रेटर देन 170। अगर आप कहीं 180 टाइप कर देते हैं 180, तो वो भी सेल आपकी हाईलाइट हो जाती है। जो कि सेल आपकी हाईलाइट है अगर हम उसके अंदर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ टाइप कर देते हैं 155 यानी कि लेस देन 170, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल अनहाईलाइट हो जाती है। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वापस अपन एरिया को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है और आपको यहां से क्लियर रूल कर लेना है, जिसके लिए आपको दो तरह की कंडीशंस मिलती हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जो सेल्स आपने सिलेक्टेड की हैं केवल वहीं से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, या फिर एंटायर शीट के अंदर कहीं भी आपने ऐसी कोई कंडीशन लगाई हुई है आप उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। तो हमें क्लिक करना है एंटायर शीट, तो पूरी शीट के अंदर कहीं भी कोई कंडीशन होगी तो वो आपकी क्लियर हो जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर से आप चाहें तो लेस देन कंडीशन यूज कर सकते हैं जो कि ग्रेटर देन के अपोजिट होती है। उसके बाद आप चाहें तो बिटवीन कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ क्लिक करना है
और आपको यहां टू वैल्यूज डालनी होगी कि किन वैल्यूज के बीच की आपको सेल्स हाईलाइट करनी है। तो हमें यहां टाइप करना है 130 एंड 150। तो 130 से 150 के बीच की जितनी भी सेल्स होंगी उन सेल्स को हाईलाइट कर देगा। और आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर से ही आप चाहें तो इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इक्वल टू 150, इक्वल टू 170 या इक्वल टू 130। तो केवल 130 को ही ये हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन आपके आ जाती है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जो कि हम सीखेंगे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना। तो उसके लिए हमें अपना सेकेंड कॉलम, जिसके अंदर हमने कुछ नेम्स टाइप किए हुए हैं, सिलेक्ट करना है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर हमें उन सेल्स को हाईलाइट करना है जो सेल्स इस टेक्स्ट को रखती हैं, यानी कि जिस सेल के अंदर आपने ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। कौन सा टेक्स्ट? बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फर्स्ट सेल का टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि किसी भी सेल के अंदर अगर राम लिखा हुआ होगा तो वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। आप चाहें तो यहां से नेम चेंज कर सकते हैं। हम यहां टाइप करना है गगन। आप देख सकते हैं कि गगन जहां भी होगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी डेट ओकरिंग। तो इसके लिए हमें अपने डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर हमने काफी सारी डेट्स एंटर की हुई हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल्स एंड ए डेट ओकरिंग, यानी कि उन सेल को हाईलाइट करना है जिस सेल के अंदर यस्टरडे डेट, टुडे, टुमारो या लास्ट 7 days, लास्ट वीक या दिस वीक, जिस तरह से कोई भी कंडीशन आप यूज कर लीजिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लास्ट 7 days, यानी कि लास्ट 7 days के अंदर की कोई भी डेट अगर आपने एंटर की हुई है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 days के अंदर से आपकी 2 dates आपने यूज की हुई हैं जो कि हाईलाइट हो गई हैं। इसी तरह से अगर आपको टुडे डेट हाईलाइट करनी है तो आप क्लिक कर दीजिए तो ये आज की डेट भी आपकी हाईलाइट हो जाएगी। फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो आप फिर से कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाइए और आपको यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम फिल कलर यूज कर लेते हैं एंड फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे तो उसी फॉर्मेट के अंदर जो है आपकी सेल हाईलाइट हो जाती है। इसे हम ओके कर देते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नेक्स्ट कंडीशन आपकी आ जाती है डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि आपके पास अगर लार्ज रिकॉर्ड है और उसके अंदर से हम जानना चाहते हैं कि हमने कोई टेक्स्ट सेम टाइप तो नहीं कर दिया है, जैसा कि हम कई बार मोबाइल नंबर्स टाइप कर लेते हैं और एक ही मोबाइल नंबर को हम रिपीट कर देते हैं कहीं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने किस वैल्यू को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दिया है। तो हमने इसके लिए अपने फोन नंबर्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और हम कंडीशन यूज करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपने एक मोबाइल नंबर जो कि रिपीट किया हुआ, यानी कि आपने डुप्लीकेट यूज किया हुआ है। तो आपके पूरे डाटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वह उसको सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। अगर आप यहीं से इसे यूनिक वैल्यूज के अंदर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हमें उन वैल्यूज को शो करना है जो कि यूनिक है, या फिर उन वैल्यूज को शो करना है जो कि वैल्यूज आपने कहीं भी रिपीट नहीं की हुई, तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन के अंदर से सिलेक्ट करना है यूनिक वैल्यूज। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनको आपने कहीं भी रीयूज नहीं किया है। आप चाहे तो फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट काफी सारे फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं, रेड टेक्स्ट तो आप रेड टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रीन फिल तो आप ग्रीन फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ओके कर देना है। यही कंडीशन अगर आप चाहें तो आप नंबर फॉर्मेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर हमें क्लिक करना है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसके अंदर से कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। अगर आप यूनिक वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो ये सभी के सभी वैल्यू जो है वो आपकी यूनिक है, यानी कि इन वैल्यूज को आपने कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है। इसी तरह से नेम्स के अंदर भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप क्लिक कर दीजिए डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कमल एंड सुरेश जो कि डुप्लीकेट यूज किया हुआ, यानी कि आपने इन नेम्स को 2 बार टाइप कर दिया है। अगर आप यूनिक पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनिक वैल्यूज शो होंगे। इसके बाद अगर आप इन सभी रूल्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। आपको एक एरिया सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्लिक करना है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो आप पूरी शीट के अंदर से कहीं भी कंडीशंस आपने लगाई हैं वो क्लियर कर पाएंगे। तो होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।